खास में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बड़ी फेमस डिश है। तो देखिए, ये सरसों के पेड़ है, पौधे हैं। सबसे पहले हम इनको पत्ते और जड़ को अलग कर लेंगे। इनके पत्ते ही काम आते हैं, तो ये पत्तों को सेपरेट कर लेंगे हम इस तरीके से। और इन सब पत्तों को सेपरेट करने के बाद में हम इनको खूब अच्छी तरीके से धोएंगे। तो ये पत्ते सेपरेट करके फिर मिलते हैं। तो फिर मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं, और चूंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, इसलिए हम अब इसको अच्छी तरीके से धोएंगे। इनको आप अच्छी तरीके से धोइए, दो तीन बार धोइए, ताकि इसकी पूरी मिट्टी साफ हो जाए। क्योंकि मिट्टी रहेगी तो सब्जी में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से धो लीजिए, दो तीन बार धो लीजिए। और अब धोने के बाद में हम इसको उबालेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसकी सब्जी बना सकते हो, लेकिन मैं पहले उबालूंगा और उबालने के बाद में फिर इसको बनाऊंगा। उससे इसका कड़वापन चला जाता है। इसको हम ढक देंगे और करीब 20 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हम 20 मिनट के बाद फिर से करीब 15-20 मिनट हो गए हैं। और देखिए, ये हमारी पत्ते उबल चुके हैं। अब हम इनको निकाल करके और एक बर्तन में निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और इसके साथ साथ में एक प्याज, तीन चार हरी मिर्ची और तीन चार लहसुन कली, इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और इस पानी को हम फेंक देंगे, क्योंकि इसमें इसका कड़वापन है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसमें चाहो तो सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी जो भी कुकिंग ऑयल है आपके पास में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब तक ये गर्म हो रहा, तब तक हम इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं।
ओके। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका, इसको थोड़ी धीमी आंच कर लेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। एक कटे हुए प्याज डाल देंगे, इन प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। ये करीब 2-3 मिनट में हल्के भूरे हो जाएंगे, तब तक इसको पकने देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हल्का भूरा हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए लहसुन और हरी मिर्ची। फिर से करीब 1-2 मिनट के लिए इसको हिलाएंगे और अब इसमें डाल देंगे हम हमारे सरसों के पत्ते जो कट काट रखे हमने। अब डालेंगे सूखे मसाले, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और आप सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब दोबारा इसको करीब 10 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहो 10 मिनट के लिए इसको ढक भी सकते हो, लेकिन बीच बीच में इसमें हिलाते रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों 10 मिनट करीब। 10 मिनट हो गए और देखिए हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। कि हमारी सरसों का साग तैयार है। सरसों के साग के साथ में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन वो होता है मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी। पर दोस्तों आप इसको गेहूँ की रोटी या पराठे के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए।